हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। आज के दिन में ट्राइडेंट की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार तेजी है। इंट्राडे हाई की अगर बात करें तो 6% के आसपास का उछाल जो है आज के दिन में देखने को मिला। करंट लेवल्स पे भी अगर मैं बात करूँ तो 5.5% के आसपास का उछाल है, 34 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई की अगर बात करूँ तो 70 रुपीज़ का 52 वीक हाई लगाने के बाद स्टॉक में 25 रुपये के आसपास जो है गिरावट हमें देखने को मिली। 25 के अराउंड सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और एक स्मॉल कैप साइज कंपनी है ये और लॉन्ग टर्म होल्ड की जा सकती है ड्यू टू इट्स जो फाइनेंशियल्स कंडीशन है करंट लेवल्स पे। और आज की जो तेजी है उसके बारे में बात करते हैं। 5 दिन का डाटा देखेंगे तो 4.5% का आप लोगों को ये जो शार्प तेजी आज के दिन में देखने को मिली तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी बल्क में बाइंग आज के दिन में हमें ट्राइडेंट के अंदर आती हुई देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 6% का उछाल है और ये ऐसी तेजी हम स्पाइक जो है एक तरीके की पहले भी देख चुके हैं और उसके बाद दोबारा से डाउनफॉल देखने को मिला। 6 महीने की बात करूं तो 10% के आसपास की गिरावट जो है ट्राइडेंट शेयर में हो चुकी है। 1 साल का डाटा भी कोई पॉजिटिव नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 25% की गिरावट जो है बीते 1 साल के अंदर ट्राइडेंट में हो भी चुकी है। 5 साल का डाटा जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और इसी यहाँ पे जो ये तेजी आई थी इसी वजह से ये स्टॉक जो है लाइमलाइट के अंदर आता हुआ देखने को मिला और 5 साल के जो ओवरऑल रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं 485% के हैं। 1 साल की परफॉर्मेंस 25% नेगेटिव है तो ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर जो है 485% के रिटर्न्स, यानी कि ईयरली अगर मैं बात करूँ तो 130% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को बना कर दिया। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मैं कह सकता हूँ कि 125-120 की रेंज में जब ये स्टॉक हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, तो उसके लिए एक लंबा टाइम जो है हमें स्टॉक के साथ जो है होल्ड करके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक है तो एक रिस्की स्टॉक, आप इसको जरूर कंसिडर करके चलें। पहले अपडेट की ओर बढ़े तो देखिए NSE BSE टू इंट्रोड्यूस सर्विलेंस मैकेनिज्म फॉर माइक्रो स्मॉल फर्म्स ऑन June 5। आज यानी कि 5 जून है और आज ही के दिन से जो है सर्विलेंस मैकेनिज्म जो है माइक्रो स्मॉल फर्म्स जो हैं यानी कि छोटी कंपनियां जो हैं उनके रिगार्डिंग यहां पे हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है और NSE और BSE दोनों की तरफ से ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ऐसे में ट्राइडेंट के ऊपर भी आप ध्यान रखें कि वो भी सर्विलेंस के अंदर रहेगा, कि कोई बड़ी अपडेट या बड़ी घटना जब घटती है तो ऐसे में एक सही कदम जो है ऐसे स्टॉक्स के रिगार्डिंग उठाया जा सके। तेजी की वजह जो है उसके अगर देखें तो आज के दिन में 3 बड़ी लार्ज डील्स जो हैं देखने को मिली हैं। 2,65,609 क्वांटिटी ऑलमोस्ट जो है 91 लाख की, 2,67,978 क्वांटिटी ये भी ऑलमोस्ट 91 लाख की है और 2,01,783 जो शेयर्स हैं ऑलमोस्ट 66 लाख के हैं। तो ओवरऑल राउंड फिगर करें तो 2.50 करोड़ के ऊपर के जो है बल्क में डीलिंग्स आज के दिन में हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है और जिसकी वजह से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर 5.5% के आसपास की तेजी आज आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट और अपना पुराना लॉस अगर रिकवर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसपे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट इजीली जनरेट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी है तो आज आप जो है ग्रुप की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके कि जो डेमो कॉल्स मैंने दी थी उन्होंने कितने अच्छे टारगेट्स हिट किए हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर उस पर ध्यान देंगे तो ऑलमोस्ट 17,500 करोड़ के आसपास का, तो एक स्मॉल कैप कंसीडर कर सकते हैं आप और एक मिड कैप भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों के बीच में ये कंपनी इस टाइम देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल 11.9% का, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 11% के आसपास के देखने को मिल रहा है। डिविडेंड जो है ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि अगर डिविडेंड देखेंगे तो 41.3% के आसपास का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो जो सेल्स रही थी Q4 के अंदर 1,573 करोड़ की रही थी, तो अब की बार का जो प्रॉफिट रहा 2,769 रहा, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें उसके अंदर डिक्लाइनमेंट ही देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं नंबर्स जो थे ट्राइडेंट के Q4 के बिल्कुल भी अच्छे नहीं देखने को मिले थे। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कि यहां पे टोटल एसेट्स जो है कंपनी के पास वो कितने कुछ देखने को मिल रहे हैं तो 6,829 करोड़ के टोटल एसेट्स जो है कंपनी के पास Q4 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म होल्ड की जा सकती है करंट लेवल्स पे, लेकिन रिस्की थोड़ा सा कह सकता हूं मैं स्टॉक, क्योंकि होल्डिंग्स जो है वो यहां पे प्रमोटर्स की वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिली Q4 के अंदर। FII का स्टेक इंक्रीज हुआ है,
पब्लिक का स्टेक जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ कि अदर्स का जो स्टेक था वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो उनके पास से सारा का सारा माल उठा के पब्लिक, प्रमोटर और FIIs ने इंक्रीज कर लिया है। बात अगर हार्डियन इंडिया लिमिटेड की करूँ तो देखिए, जब कल के दिन में जो है ये शेयर हमें 550 की रेंज में देखने को मिला था, और आज सीधा स्टॉक में आज भी 10% का सर्किट है, अभी 6.74 के आसपास का देखने को मिला, 49.90 रुपये पे है, तो 1:10 का स्प्लिट जो है आज स्टॉक में मिल चुका है। अगर आप इस कंपनी के 10 शेयर्स को होल्ड करते थे तो आपके डीमेट अकाउंट में 100 शेयर्स जो है हार्डियन इंडिया लिमिटेड शेयर के देखने को मिल जाते हैं।